बात करते हैं अपने अगले कॉलर से जो कि मध्य प्रदेश से हैं, रणवीर सिंह जी। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो रणवीर सिंह जी, बात कर रहे हैं। नमस्कार सर, अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। नमस्कार सर आपका सवाल आया है। जी मैडम। जी सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पूछे अपना सवाल। मैडम मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हम लोग के यहाँ सिर्फ डीएपी और यूरिया उपलब्ध मिलती है सोसाइटी में, जी और आप लोग जैसे बताते हैं कि पोटास, फास्फोरस और नाइट्रोजन, तो ये अलग अलग मात्रा के लिए हम लोग कौन सी खाद यूज करें? जी सोसाइटी में यूरिया और डीएपी है, और मेरे जी ख्याल से एक और खाद आती होगी जिसको 12-32-16 कहते हैं। नहीं सर, सिर्फ डीएपी, यूरिया और सुपर सल्फेट आती है, सिंगल सुपर सल्फेट। हाँ, सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो देखिए, जी जी डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 18% और 46% फास्फोरस होता है। सिंगल सुपर फॉस्फेट में 16% फास्फोरस होता है, और यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। तो अगर इन सब को देखेंगे हम, तो हमें सिर्फ दो तत्व मिल रहे हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। अब हमें पोटाश, अगर सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप मिट्टी के नमूने की जांच करवाएं, तो आपको पता चलेगा कि आपकी भूमि में कितने तत्व मौजूद हैं। वो आपको बताएंगे कि कौन सा तत्व कम है, कौन सा बराबर मात्रा में है और कौन सा ज़्यादा है। तो मिट्टी के नमूने की जांच करवा लें तो हम निश्चित तौर से आपको कह सकते हैं कि आपको पोटाश डालना है, या अगर आजकल सूक्ष्म तत्वों की भी जांच होती है, जिंक, बोरॉन, कॉपर, सल्फर वगैरह, तो ये भी बता सकते हैं कि आपको इन तत्वों के देना है। सोसाइटी अक्सर सूक्ष्म तत्व वाले खाद नहीं रखती है, लेकिन जिंक सल्फेट वगैरह उनको रखना चाहिए, क्योंकि जिंक सल्फेट मिलती है सर, लेकिन पोटास हम लोग कहाँ से पाए? अब पोटाश या तो जो ये मिली जुली खादें हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ 12-32-16, तो इसमें जी सर, बारह मेरी नाइट मार्केट ही बंद हो गई है। अच्छा, जब भी आप देखें कोई खाद, कभी कभी आपको एक खाद मिलती होगी 18-18-18, तो 18 हमेशा पहला जो अंक होता है वो नाइट्रोजन का होता है, दूसरा जो अंक होता है वो फास्फोरस का होता है, और जो तीसरा अंक होता है वो पोटाश का होता है। तो जो मिली जुली खादें हैं, जिसमें हम कहते हैं 12-32-16 या 18-18-18, इनमें तीनों तत्व हैं। तो एक तो ये है, अगर आप अलग से लेना चाहें तो म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसको एमओपी या पोटाश खाद कहते हैं, वो अलग से देना पड़ता है, और म्यूरेट ऑफ पोटाश में 60% पोटाश तत्व होता है। जैसे यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, उस तरह म्यूरेट ऑफ पोटाश में 60% नाइट्रोजन है। अगर आप सोसाइटी को कहेंगे तो वो इफको का 12-32-16 भी मंगाना चालू कर सकते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए।